बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाली और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार अध्यात्म और ज्ञान का महासंगम होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले शाही स्नान और पेशवाई जैसे उर्दू फारसी नाम को बदलने पर मंथन भी चल रहा है। साथ ही साधु संत सीएम योगी के पास ये भी मांग रखने वाले हैं कि महाकुंभ में किसी और धर्म के लोगों की एंट्री ना हो सके। संतों की इस डिमांड पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। संगम नगरी प्रयागराज में इस बार अध्यात्म और ज्ञान का महासंगम होने वाला है, लेकिन उससे पहले कुंभ में पेशवाई और शाही स्नान जैसे उर्दू और फारसी शब्दों को बदलकर उनकी जगह दूसरे नाम इस्तेमाल करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। मांग तो ये भी है कि कुंभ जैसे पवित्र मेले में दूसरे धर्म की एंट्री पर भी बैन लगना चाहिए। साधु संतों ने कहा, दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री पर रोक लगे, कुंभ में दुकान लगाने वालों की पहचान हो, किसी और मजहब के लोगों को रोका जाए, सिर्फ सनातनियों को ही कुंभ में एंट्री मिले, सुरक्षा में तैनात जवान भी सनातनी हो। साधु संतों की ये मांग उस लिहाज से भी खास है क्योंकि यूपी में नाम छिपाकर दुकान चलाने वालों की दुकान बंद हो रही है। सरकार से अकाला परिषद के से हम यही मांग कर सकते हैं, सनातनियों की ही नियुक्ति किया जा, कहीं से दाएं बाएं से सनातनी विचारधारा के हो, जो आस्था वाले लोग हों, जो कि कुंभ मेले में काम करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा निष्ठा है, उन्हीं व्यक्तियों को, नोटर अधिकारियों को, अनेक प्रकार के विभाग अधिकारियों को, उनको ही विशेष रूप से मेला में भागीदारी दिया जाए। दरअसल सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा के लिए 6 अक्टूबर को प्रयागराज जा रहे हैं। वो यहाँ महाकुंभ का लोगो और प्रमुख स्नान पर्व की तारीखों का औपचारिक तौर पर ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा सभी अखाड़ों के दो दो प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। सीएम योगी के साथ संतों की बैठक के लिए अखाड़ों के महात्माओं को निमंत्रण भेजा जा चुका है, लेकिन उससे पहले शाही स्नान जैसे उर्दू और फारसी शब्दों को बदलने को लेकर सियासत भी तेज है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की, योगी आदित्यनाथ जी की कुल उपलब्धि इतनी है 7.5 साल में कि बेचारे केवल नाम बदल पा रहे हैं, कभी स्टेशन का, कभी गांव का, कभी सड़क का, कभी किसी योजना का। आगामी जनवरी माह से शुरू होने वाले महाकुंभ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने और उसकी साख में और 4 चांद लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी शिद्दत से लगे हैं, पूरी गंभीरता से लगे हैं। ऐसे में अगर कोई नए प्रयोग किए जाएँ, नई चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ, तो उससे निश्चित रूप से महाकुंभ की गरिमा बढ़ेगी, और अगर ऐसा होता है तो ये महाकुंभ के लिए अच्छा होगा और उसके हित में होगा, श्रद्धालुओं के हित में। हिंदू धर्म में यूं तो बहुत से पर्वों को शुभता और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन जब भी बात होती है कुंभ की तो उत्साह दोगुना और अध्यात्म चरम पर होता है। इस बार प्रशासन कुंभ मेले के लिए विशेष व्यवस्था करने में जुटा है, तो साधु संत भी अपनी मांगों के साथ तैयारियों में जुटे। सभी लोग पदाधिकारियों के सामने, आदरणीय मुख्यमंत्री के सामने अपना एक पक्ष रखेंगे कि जो भी एक शाही शब्द है उसको हटा के या कोई हुआ नेत्र जो भी इसमें मीटिंग में पारित होगा उसके लिए हम लोग सब लोग स्वीकार करेंगे। पेशवाई का ही नाम चेंज करके जो भी हम लोग कहेंगे और शाही, पेशवाई, कोई दूसरा नाम देंगे जो संत लोग, उसके लिए सभी लोग हम लोग मान्य करेंगे। और आदरणीय हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान अभी अमेरिका में हैं, वो भी रहेंगे उस बाद में आके जनवरी में, तो सभी लोग जैसा सर्व लोगों का सम्मति से होगा उसका स्वागत होगा। यानी महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में भी विपक्ष को सियासत नजर आ रहा है। हालांकि नाम बदलने की मांग ना तो बीजेपी की तरफ से की गई और ना ही यूपी सरकार की तरफ से फिलहाल आधिकारिक बयान आया है। ये डिमांड साधु संतों की है और अखाड़ा परिषद की बैठक में बदलाव पर चर्चा भी हो चुकी है। अब इस प्रस्ताव को सीएम योगी के सामने रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और साईं बाबा पर संग्राम छिड़ा हुआ है। वाराणसी में मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाया गया। लखनऊ में मूर्तियां हटाने की धमकी दी गई, जिसको लेकर जमकर विवाद भी अब शुरू हो चुका है। मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाने पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने वाराणसी के गणेश मंदिर से साईं प्रतिमा हटाने वाले सनातन रक्षा दल के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। तो लखनऊ से भी ओम नमो नारायण मंदिर से साईं प्रतिमा हटाने की धमकी देने वाले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता को गिरफ्तार किया गया है।
पर संग्राम। सबका मालिक एक है तो वहाँ मुसलमान क्यों नहीं जाता है, वहाँ ईसाई क्यों नहीं जाता है, और लोग क्यों नहीं जाते हैं, तो हिंदू मूर्ख है। वाराणसी टू लखनऊ घमासान। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा है कोई साधु संत फकीर को हम भगवान के बराबर मिलाकर बैठा दे और उनका पूजन पाठ करे। सबका मालिक एक, विवाद अनेक। चाय पूजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। चाय हिंदू नहीं फकीर है, फकीर है, फकीर है। नहीं है डरेगा जी, आगे भी चलेंगे, डर जाएगा तो विवाद करना। साई बाबा या चांद मियां, हकीकत क्या? साई बाबा की पूजा मुसलमान करें तो माना जा सकता है क्योंकि मुस्लिम समाज से थे वो। साई बाबा पर वाराणसी से शुरू हुआ विवाद अब लखनऊ समेत देश के दूसरे शहरों में पहुंच गया है। मंदिरों से साई बाबा की मूर्तियां हटाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि साई बाबा संत या फकीर हो सकते हैं लेकिन वो भगवान नहीं थे, इसलिए मंदिरों में साई की मूर्ति रखकर उनकी पूजा करना सही नहीं है। सभी सनातन मंदिरों से साई बाबा की मूर्तियां हटाई जानी चाहिए। ये मुहिम छेड़ी गई है कि यहाँ से इनको हटाया जाएगा और ये अच्छा कार्य है कि हमारे जो सनातन धर्म की मूर्तियां हैं उनका ऐसा ही आदर हो, सम्मान होना चाहिए। कोई भी विद्वान आके बता दे कि सनातन शास्त्र में प्रेत पूजा है वो, तो हम करेंगे। दूसरा, साई चरित्र में कहीं तो नहीं लिखा है, वो तो कहते हैं राम की पूजा स्वीकार नहीं है, शिव की पूजा स्वीकार नहीं, मांस मछली खाओ। क्या साई भक्त जो है गौ हत्या के विरुद्ध में बोलता है? हम अपने धर्म के लिए बोल रहे हैं तो आपको कष्ट हो रहा है। इस पूरे विवाद की शुरुआत रविवार को हुई जब सनातन रक्षक दल के सदस्यों ने काशी के बड़ा गणेश मंदिर से साई बाबा की प्रतिमा हटाई। 11 साल पहले यह प्रतिमा इस मंदिर में लगाई गई थी जिसे अब हटा दिया गया है। अगले ही दिन पुरुषोत्तम भगवान मंदिर से भी साई बाबा की प्रतिमा हटा दी गई। अब तक काशी के 14 मंदिरों से साई की प्रतिमा हटा दी गई है। मूर्ति हटाने का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि सनातन में साई बाबा की पूजा का कोई प्रावधान नहीं है, ना ही शास्त्रों में कोई प्रमाण है। जानकारी ना होने की वजह से कुछ लोगों ने साई बाबा की मूर्तियां मंदिरों में रखकर पूजा शुरू कर दी, जो कि गलत है। डरे नहीं है भक्त, डरेगा जी, आगे भी चलेंगे, डर जाएगा तो भक्त कैसा? निमया द्वारा बनाए गए भगवान थे और इनका नाम था चांद मियां। चांद मियां मस्जिद में रहते थे, कफनी पहनते थे। कोई मुसलमान जो स्वयं हमारे भगवान में विश्वास नहीं करता उसकी मूर्तियां शंकर से, पार्वती से, कृष्ण से, राम से बड़ी बना करके उनको पूजा जा रहा था, और मूर्ख हिंदू अभी भी समझ नहीं रहा है। साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। भाई गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। वो महापुरुष हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, पीर हो सकते हैं, मुसलमानों के औलिया हो सकते हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान और देवता नहीं हो सकते। दरअसल साई बाबा को लेकर विरोध नया नहीं है, पहले भी कई धर्म गुरु साई बाबा पर सवाल उठा चुके हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी साई पूजा का विरोध किया था और अब एक बार फिर केंद्रीय ब्राह्मण सभा के विरोध के बाद साई बाबा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। उधर पूरे मामले पर पुलिस का एक्शन भी शुरू हो गया है। वाराणसी में साई प्रतिमा हटाने वाले सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष अजय शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ लखनऊ में ओम नमो नारायण मंदिर से साई प्रतिमा हटाने की धमकी देने वाले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों टॉयलेट पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। पूछा जा रहा है कि क्या प्रदेश की सुक्खू सरकार टॉयलेट के जरिए अपना खाली खजाना भरना चाहती है, टॉयलेट की मदद से आर्थिक किल्लत दूर करना चाहती है सरकार। दरअसल ऐसी खबर है कि प्रदेश में टॉयलेट टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है। एक टॉयलेट सीट पर 25 रुपए टैक्स लेने की प्लानिंग है। टॉयलेट टैक्स पर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट पर सियासी तनातनी शुरू हो गई है। ऐसी खबर आई है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार राज्य में टॉयलेट सीट टैक्स लागू करने जा रही है। इस नीति के मुताबिक राज्य सरकार लोगों से उनके घर में लगने वाले हर टॉयलेट सीट पर हर महीने 25 रुपए का सीवरेज टैक्स वसूलेगी। टॉयलेट टैक्स पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी टॉयलेट टैक्स को लेकर हिमाचल सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टॉयलेट टैक्स को शर्मनाक बताया है, तो केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने इसे हास्यास्पद कहा है।
आज हिमाचल 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा यार, सुबह सुनने को मिला कि सुक्खू जी को देखो, उसने टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। इस सरकार की मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बोलो, पिछले इस कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? यहां भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सुक्खू सरकार द्वारा अपने चुनावी वादों में रेवड़ियां बांटने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज लगातार यहां तो छूटे वापस ली जा रही है या नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। और अब तो हालात ये बन गए हैं कि शौचालय पे भी टैक्स लगा दिया गया है। ये हिमाचल की कांग्रेस सरकार की आर्थिक दिवालियापन को प्रदर्शित करता है। टॉयलेट टैक्स पर विवाद खड़ा हुआ तो सरकार को सफाई देनी पड़ी। जल शक्ति विभाग ने कहा कि ऐसी कोई अधिसूचना वर्तमान सरकार ने जारी नहीं की है। मुख्यमंत्री सुक्खू भी सामने आए और उन्होंने ऐसी खबरों का खंडन करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। जो शौचालय की सीट पर टैक्स लगाती है, ये राहुल गांधी के विकास का मॉडल है जो सुखविंदर सुक्खू जी हिमाचल में लागू कर रहे हैं। ये इनके फर्जी फॉर्म भरवाकर आपकी जेब से पैसे निकालने का मॉडल कांग्रेस का है, जो हिमाचल प्रदेश की जनता की जेब से पैसे निकाल रहे हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। ऐसा है कि जो बीजेपी ने चुनावों से पहले 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी थी हिमाचल प्रदेश में, उसमें जो पानी का मीटर था उसको फ्री कर दिया था कि हम पानी का कोई बिल नहीं लेंगे। हमने 100 रुपया पर हेड पर फैमिली पानी का बिल लेने की बात की है। उसमें 5-स्टार होटल्स भी थे, उनसे भी बिल नहीं लिया जा रहा था। ओबराय है, ताज है, सब है, तो जो देने की क्षमता रखते थे उस पर कर दिया। और ये टॉयलेट टैक्स कोई ऐसा टैक्स नहीं। हालांकि हिमाचल सरकार टॉयलेट टैक्स से इनकार कर रही है, लेकिन इस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। हिमाचल प्रदेश को आर्थिक किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी इस आर्थिक संकट को कांग्रेस की फटाफट स्कीम का नतीजा बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और पश्चिम बंगाल से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगेगा मानो युद्ध का क्षेत्र बन गया हो। बंगाल में राजनीतिक हिंसा नई बात नहीं है, लेकिन इस बार तो मानो जंग छिड़ गई है। बैरकपुर में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर पर हमला किया गया। हमलावरों ने 15 बम फेंके और गोलियां भी चलाई। बीजेपी नेता का आरोप है कि हमले में बंगाल पुलिस भी शामिल थी। टीएमसी के राज में जगह जगह बम बनाने की होम इंडस्ट्री चल रही है। ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता अब बचने के लिए लड़ना होगा। सीधी बात, एक एक्स एमपी अगर सेफ नहीं है तो इस बंगाल में कौन सेफ है? पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। बीजेपी के एक नेता के घर पर बम और गोलियों से हमला किया गया। बैरकपुर में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर पर हमला किया गया। जिस वक्त यह हमला किया गया, अर्जुन सिंह घर पर ही थे। हमलावरों ने एक के बाद एक करीब 15 बम फेंके और गोलियां भी चलाई, जिसमें एक गोली का छर्रा अर्जुन सिंह के पैर में लगा। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का आरोप कि यह हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल की पुलिस भी शामिल थी। हमारे घर पर अटैक होता है, बम चलता है, गोली चलता है, उतरने के बाद मुझे भी पैर में स्प्लिंटर लगा है बम का, तो ये क्लियर है कि इट्स प्लानिंग, ये प्लान करके किया जा रहा है। तृणमूल पूरे बंगाल में ख़त्म हो रही है, तो अपने जमीन के तलाश में इस तरह से भय दिखाकर लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। अर्जुन सिंह पर हमले को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल राजनीतिक हत्याओं और हिंसा की खान बन गया है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने कहा कि अगर एक पूर्व सांसद पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं तो कौन सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे। एक एमपी अगर सेफ नहीं है तो इस बंगाल में कौन सेफ है? मुझे लगता है कि ये पूरी तहकीकात होनी चाहिए। हम केंद्र सरकार से भी बात करेंगे इस विषय में और माननीय गृहमंत्री जी के ध्यान में भी ये विषय लाएंगे। इसके साथ टीएमसी का कोई संपर्क नहीं है, ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है। और अर्जुन सिंह जी किस तरह पॉलिटिक्स करते हैं ये सब लोग जानते हैं, ये उनका लोकल प्रॉब्लम्स है।
कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक वक्त था जब बंगाल से बढ़कर एक वैज्ञानिक निकलते थे, लेकिन अब बंगाल में जगह जगह बम बनाने की फैक्ट्री मिलती है। बीजेपी के नेता के घर पर हमले पर एक बार फिर से ममता सरकार निशाने पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। गोविंदा ने अपने फैंस का शुक्रिया भी अदा किया। डॉक्टर ने उन्हें करीब एक महीने बेड रेस्ट के लिए कहा है। वहीं पुलिस उनके ठीक होने के बाद उनका बयान ले सकती है। जैसे ही गोविंदा अस्पताल से बाहर निकले, मीडिया के कैमरे उनका इंतजार कर रहे थे। गोविंदा भी मुस्कुराए और हाथ जोड़ने की मुद्रा में आ गए। उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी भी मौजूद थी। बड़ी संख्या में उनके फैंस भी उनका हाल लेने पहुंचे थे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गोविंदा ने अपने शुभ चिंतकों को धन्यवाद कहा। वो भावुक भी दिखे। मैं देश में जहां जहां से मुझे प्रेम मिला, जहां जहां पूजन हुए, दुआएं पड़ी गई, जहां जहां अरदास की गई, प्रेयर्स हुए, मैं सब लोगों का धन्यवाद देता हूं, प्रेस का धन्यवाद देता हूं और प्रशासन से जुड़े हुए पुलिस वर्ग का धन्यवाद देता हूं। मंगलवार की सुबह गोविंदा को घर में गोली लग गई थी। अस्पताल में एडमिट होने के चौथे दिन उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। 3 दिन डॉक्टरों की गहन निगरानी में रहने के बाद उन्हें घर जाने की इजाजत मिल गई। वो करीब 1 महीने तक बेड रेस्ट पर रहेंगे। नहीं, उनको 3 से 4 हफ्ते बेड रेस्ट करना पड़ेगा और उनके एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी चालू है, बट उनकी तबीयत काफी अच्छी है एंड ही इज क्वाइट चेयरफुल, दैट्स व्हाई वी आर डिस्चार्जिंग हिम, ही विल बी टेकिंग रेस्ट एट होम। उनका डाइट बराबर चल रहा है, स्पेशलिस्ट डाइटिशियन मैनेज कर रहे हैं एंड ही इज ईटिंग वेरी वेल। गोविंदा ने बताया था कि वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे और इसी दौरान अनलॉक होकर वो जमीन पर गिरी, जिसके बाद गोली चली और उनके पैर में गोली लग गई। गोली लगने के बाद डॉक्टर्स ने सर्जरी कर उसे निकाल लिया। उन्हें आईसीयू में भी भर्ती रहना पड़ा था। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान गोविंदा का एक वॉइस मैसेज भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने सब ठीक होने की बात कही थी। हादसे के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं गोविंदा के बयान से पुलिस संतुष्ट नहीं दिख रही। रिवॉल्वर के गिरने और फायर होने की थ्योरी पर भी सवाल हैं। पुलिस ने उनके घर वालों का बयान दर्ज किया था। अब पुलिस गोविंदा के पूरी तरह से ठीक होने के बाद उनका स्टेटमेंट ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बात रतलाम की, जहां एक बड़ा रेल हादसा सामने आया है। नागदा की तरफ जा रही एक मालगाड़ी डीरेल हो गई। हादसे में 3 वैगन पलट गई हैं, जिसमें डीजल और पेट्रोल भरा हुआ था। गनीमत रही, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हादसे के बाद मौके पर प्रशासन और रेलवे के अधिकारी पहुंचे। रेल यातायात भी काफी समय तक प्रभावित रहा। हादसे के बाद एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं, ये हादसा था या फिर साजिश, क्योंकि जिस तरह से देश में डीरेल के हादसे बीते कुछ महीनों से सामने आ रहे हैं, उससे सवाल कहीं ना कहीं उठना लाजमी है। बड़ा रेल हादसा, मच गया कोहराम। डीजल से भरी मालगाड़ी हुई डीरेल। दुर्घटना या हादसे के पीछे साजिश? रतलाम में देर रात बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। नागदा जा रही मालगाड़ी रतलाम में हादसे का शिकार हो गई। डीजल से भरी मालगाड़ी डीरेल हो गई, जिससे मालगाड़ी के 3 वैगन पलट गए। अगर कोई यात्री ट्रेन होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हादसा कितना बड़ा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हादसे के चलते रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। हालांकि अब दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को क्लियर कर दिया गया है और रेल यातायात फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गया है।
रतलाम का वही दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक है जो अब पूरी तरह से क्लियर हुआ है। देर रात जो है 3 वैगन जो है पेट्रोलियम पदार्थ से भरी हुई मालगाड़ी की वो डीरेल हुए थे। ये मैं आपको दिखाता हूँ लाइव तस्वीरें। यहाँ पे अभी जो है ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी है उसका यहाँ पे काम लगातार जारी है। 200 से ज्यादा जो रेलवे कर्मचारी है अधिकारी है वो रात से ही यहाँ पे युद्ध स्तर पर लगे हुए थे, क्योंकि मेन ट्रैक है। डाउन लाइन यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हुई थी, बंद थी, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि अप लाइन से ट्रेनों का परिवहन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। हादसे के बाद लोगों में डीजल लूटने वालों की होड़ मच गई। दरअसल मालगाड़ी के 3 वैगन पलटने से तेल का रिसाव हो रहा था, जिसे लूटने की लोगों में होड़ मच गई। उधर जांच एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। ये महज हादसा है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से देश में लगातार ट्रेन डीरेल की घटनाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। रतलाम से सुधीर जैन, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपको लूट की तस्वीर दिखाते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, जिसके लिए कोई रात भर जागा तो कोई जल्दी ही उठ गया। रतलाम से आई है ये तस्वीर, देखकर आपको भी लगेगा ये पानी की लूट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रैक के पास लंबी लंबी कतार, भीड़ भी ऐसी कि पहली ही नजर से किसी को भी लगे कि यहां तो पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। ऊपर से नीचे तक देखिए कैसे लोगों का रेला लगा हुआ है, लेकिन ये कतार पानी के लिए नहीं है, बल्कि यहां तो हो रही है डीजल की लूट लाइव। कोई कनस्तर लेकर खड़ा है तो किसी के हाथ में बाल्टी है, कोई बोतल में डीजल भर रहा है। लोगों का पूरा घर ही उठकर आ गया है। ये मौका छूट ना जाए। जो लोग सुबह देर से उठते थे वो तो रत जगा करने लगे, तो कोई जल्दी सुबह उठ गया, क्योंकि डीजल हाथ से नहीं जाना चाहिए। देखिए एक एक के हाथ में कितने डीजल के बर्तन हैं। आखिर डीजल की लूट कहाँ हो रही है और क्यों लोगों का ये मजमा लगा हुआ है। दरअसल रतलाम से नागदा जा रही थी मालगाड़ी, लेकिन अचानक रतलाम स्टेशन के पास ट्रेन डिरेल हो गई। मालगाड़ी के 3 वैगन बेपटरी हुए। मालगाड़ी से डीजल को ढोया जा रहा था, वैगन बेपटरी हुए और उसके बाद लोगों को ये खबर लग गई, तो ऐसे में लोगों की भीड़ टूट पड़ी डीजल लूटने के लिए। अधिकारी ट्रैक को क्लियर करा रहे थे, उन्हीं की आंखों के सामने लोग डीजल लूट रहे थे। दरअसल ट्रैक क्लियर कराना पहला काम था और इधर लोगों का ये काम चल रहा था, यानी बहती गंगा में हाथ धोना या यूं कहिए डीजल ढोना। वो तो गनीमत थी कि ट्रेन ड्रिलन से कोई हादसा नहीं हुआ। रतलाम से सुधीर जैन, न्यूज 18। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी।